अस्सलामुअलैकुम। ब्रेकिंग न्यूज़ में खुश आमदीद। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई बिलाखिर फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ बोल पड़ी। मलाला यूसुफ़ज़ई ने अपने ट्वीट पे इसराइली जारियत के बारे में क्या बयान दिया और आलमी रहनुमाओं से क्या अपील की, उसकी मुकम्मल तफसील से आपको इस वीडियो में आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस में इसराइली जारियत पर फ़लस्तीनी बच्चों पर मुजालिम के खिलाफ आलमी बरादरी से फौरी इकदामात उठाने का मुतालबा किया है। मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस पर इसराइली हमले पर आलमी इदारे यूनिसेफ की रिपोर्ट पर मलाला यूसुफ़ज़ई ने बयान दिया। ट्विटर पर बयान जारी करते हुए मलाला यूसुफ़ज़ई ने कहा कि मकबूज़ा बैतुल मुक़द्दस में ख़ुसूसी तौर पर बच्चों के खिलाफ तशद्दुद नाकाबले बर्दाश्त है। तवील तनाज़े ने बहुत से बच्चों की ज़िंदगियां और इनके मुस्तकबिल छीन लिए हैं। आखिर में मलाला यूसुफ़ज़ई ने मुतालबा किया कि फ़लस्तीनी बच्चों पर मजालिम के खिलाफ आलमी बरादरी फौरी तौर पर इकदामात करे। बच्चों और शहरियों को तहफ़ दिए बगैर आलमी अमन मुमकिन नहीं है।